हेलो स्टूडेंट इन टूडेज लेक्चर वी सॉल्व द एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एफ वाई इक्वल टू गिवन एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर टू एक्स इसके प्रीवियस वीडियो में आपने ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया है एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स जहाँ पे टू एक्स था उसी जगह हमने एक्स लिया था वो एग्जाम्पल हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी आपको इसकी मेथड बताई थी पहले आपको क्या करना है अगर इस टाइप के एग्जांपल्स आते हैं तो आपको पहले लॉग लेना है और उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन वहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे y इक्वल टू गिवन है x टू द पावर x टू द पावर टू एक्स फर्स्ट वी टेक द लॉग ऑन बोथ साइड्स सो वी हैव लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x टू द पावर टू एक्स हमें पता है लॉग ऑफ एक्स टू द पावर यन है तो उसको हम यन इन टू लॉग ऑफ़ एक्स लेते हैं क्योंकि जो पावर में एक्स के आता है वही हम लेफ्ट हैंड साइड को ले सकते हैं तो यहाँ पे एक्स के पावर में है एक्स टू द पावर टू एक्स यहाँ पे एक्स टू द पावर टू एक्स हम साइड को लेंगे क्योंकि लॉग एक्स के पावर में है एक्स टू दावर टू एक्स तो जो उसका इंडेक्स होता है वो क्या होता है वो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो यहाँ पे आएगा x टू द पावर टू एक्स इंटू लॉग ऑफ x नाउ वी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड सो वी हैव वन अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स लॉक वाई का डेरेवेटिव आता है वन अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डेरेवेटिव ऑफ x टू द पावर टू एक्स इंटू लॉग एक्स यहाँ पर ये यह दोनों फंक्शन मल्टीप्लीके मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे हम यू वी रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे यू वी रूल क्या है डेरेवेटिव ऑफ यू वी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरेवि ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरेविटी ऑफ फर्स्ट हि फर्स्ट फंक्शन इज एक्स टू द पावर टू एक्स एंड सेकंड फंक्शन इज लॉग एक्स सो वी टेक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ दैट इज एक्स टू द पावर टू एक्स इंटू डेरेविटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लॉग एक्स लॉग एक्स का डेरेविटिव आता है वनापोन एक्स so वहाँ पर हम वनापोन एक्स लेंगे प्लस लॉग एक्स मीन्स सेकंड डेरेटिव एज इट इज इंटू डेरेविटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स टू द पावर टू एक्स डी वाई बाई डी एट बिकम्स वाई जो लेफ्ट हैंड साइड का है वन अपा ऑन वाई वो राइट हैंड साइड को जाने के बाद वो मल्टीप्लाई होगा तो वाई इन टू ये जो टर्म है इसके ऊपर के लाइन की तो एज इट इज आ जाएगी वो टर्म है एक्स टू द पावर टू एक्स इंटू वन अपा ऑन एक्स प्लस लॉग एक्स इन टू ऑफ एक्स टू द पावर टू एक्स इसको हम इक्वेशन वन देंगे इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर टू एक्स है उसका डायरेक्टली डेरिवेटिव हम नहीं निकाल सकते क्योंकि एक्स के पावर में अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसी का डेरिवेटिव हमें पता है लाइक एक्स टू द पावर थ्री एक्स टू द पावर फाइव एक्स टू द पावर टेन एक्स टू द पावर हंड्रेड इसके डेरेवेटिव हमें पता है क्योंकि उसका फार्मूला है एक्स टू द पावर यन इक्वल टू यन इन एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर टू एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें उसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा तो अलग सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे इक्वेशन वन देंगे जब हम डेरिवेटिव एक्स टू द पावर टू एक्स का निकालेंगे तो डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर लास्ट में हम क्या करेंगे कि वन वाले इक्वेशन में वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो फर्स्ट हमें एक्स टू द पावर टू एक्स सॉल्व करना है तो उसके लिए हम एज यू कंसिडर करते हैं क्योंकि उसको एक नोटेशन देना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते उसका रेडियोटिव तो हमने क्या किया हमारे सिम्प्लीफिकेशन के लिए एक्स टू द पावर टू एक्स को हमने एज अ यू कंसिडर किया है यहाँ पे तो हम एक्स टू द पावर टू एक्स है पावर में पावर एक फंक्शन है वेरिएबल के पावर में एक वेरिएबल है तो हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको अगर कुछ फंक्शन पावर में आते हैं ई टू द पावर के और ए टू द पावर इसको छोड़ के अगर कोई फंक्शन पावर में पावर आता है तो हमने पहले भी कहा था कि इसको हम लॉग लेंगे तभी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो एक्स टू द पावर टू एक्स है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे लॉग अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद उसका डेरेवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि हम जब ये लॉग अप्लाई करते हैं तो हमें ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलता है तो उसका डायरेक्टली यू वी या यू बाई वी का रूल यूज़ करके हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं तो so, u टू द पावर x टू द पावर 2x को हमने u कंसिडर किया नाउ टेकिंग लॉगेथम ऑन बोथ साइड वी हैव लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर 2x तो लॉग ऑफ x टू द पावर 2x जो है वो जो पावर में 2x है वो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा तो so, 2x एक्स लॉग ऑफ x आ गया लॉग ऑफ x टू द पावर 2x को हमने 2x एक्स इंटू लॉग एक्स वैसे लिया है क्योंकि हमने ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई किया लॉग ऑफ एक्स टू द पावर यन इक्वल टू यन इन टू लॉग ऑफ एक्स जो भी पावर में होता है लॉक के वो क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड को हम ले सकते हैं तो यहाँ पे हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया है अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे अब हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन क्यों ले रहे हैं क्योंकि ये यह देखो यहाँ पे टू एक्स इन टू लॉग एक्स है तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया अगर इसका हम डेरेटिव निकाल ले निकालेंगे तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है पावर में कुछ टर्म नहीं है इसको सिम्प्लीफाई किया है हमने अब इसको हम यू वी रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो फर्स्ट वाले फंक्शन टू एक्स को हम एज अ अव कंसिडर करेंगे और लॉग एक्स जो सेकेंड फंक्शन है उसको एज अ हम वी कंसिडर करेंगे रूल में ये पहले ही हमने लॉग यू कंसिडर किया है ये सिर्फ मैंने रूल बताया यहाँ पे तो इसको हम डिफरेंशिएशन लेंगे और डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू तो एक्स वी हैव वन अपोन यू इन डी डी यू बाई डी एक्स ये डी यू बाई डी एक्स और वन अपॉन यू क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है वाई यू डब्ल्यू वी ऐसे फंक्शंस आते हैं तो हम उसका डेरेवेटिवस लेते हैं वन अपोन यू इन डी यू बाई डी एक्स अगर ऐसे फंक्शंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि लॉन्ग यू का डेरेवेटिव कैसे निकालना है क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी होती है जो कि समझने में दिक्कत होती है उसको तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ जिसमें सिर्फ लॉक में जो भी लॉग यू लॉग वी लॉग डब्ल्यू होते हैं तो उसके डेरेटिव वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है तो वो वाला वीडियो भी आप मेरा देख सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी हैव वन अपॉन यू इन टू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू अब राइट हैंड साइड में हम क्या यूज़ करेंगे मल्टीप्लीकेशन रूल यूज़ करेंगे मल्टीप्लीकेशन रूल है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिविटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ़ फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है टू एक्स इंटू डेरेवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन है लॉग एक्स तो उसका डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन है लॉग एक्स और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है टू एक्स का डेरिवेटिव टू तो टू एक्स का डेरिवेटिव टू कैसे आ गया क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन आता है तो टू एज इट इज़ लिया और उसका एक्स का डेरिवेटिव वन मतलब टू इंटू वन टू आ गया इक्वल टू टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स है तो यहाँ परस और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे टू आ जाएगा प्लस टू इंटू लॉग एक्स एज इट इज़ हो गया अब ये दोनों में भी टू कॉमन है तो हमने ये टू कॉमन ले लिया तो ब्रैकेटेड टर्म आती है फर्स्ट वाले टर्म में वन रिमेन हो जाएगा प्लस सेकंड में सिर्फ लॉग एक्स रहेगा तो ये हो जाएगा टू इंटू वन प्लस लॉग एक्स ये जो साइड का वन अपॉन यू है और राइट हैंड साइड को जाने के बाद क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा यू इंटू टू इंटू वन प्लस लॉग एक्स अब यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो यू की वैल्यू क्या है यू को हमने हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए एक्स टू द पावर टू एक्स पुट किया था तो उसी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो u की जगह आ गया x टू द पावर टू एक्स इंटू टू इंटू वन प्लस लॉग एक्स नाउ डी यू बाई डी एक्स बिकम्स ये जो टू है कॉल में लिया हुआ हम उसको बाहर लेंगे तो ये आएगा टू इंटू एक्स टू द पावर टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स इसको इक्वेशन हम सेकंड देंगे अब ये किस लिए सॉल्व किया हमने क्योंकि हमारे पास इसका डेरिवेटिव नहीं था तो इक्वेशन वन देखो इक्वेशन वन में डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर टू एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं थी तो उसको हमने एज इट इज रखा था एज अ वन इक्वेशन देके अभी हमने ये वैल्यू निकाली है यहाँ पे एक्स टू द पावर डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर टू एक्स की दैट इज द डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इन टू ये जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी कौन सी एक्स टू द पावर टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स ये टर्म एज इट इज आ जाएगी एक्स टू द पावर टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स भी एज इट इज आ जाएगा इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर टू एक्स जहाँ पे है वो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर टू एक्स की जगह से फिर सेकंड इक्वेशन आ जाएगा सेकंड इक्वेशन क्या है टू इंटू एक्स टू द पावर टू एक्स इंटू ब्रैकेट टर्म वन प्लस लॉग एक्स तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सिर्फ पहले आप क्या करोगे y की वैल्यू जो भी है ये वहाँ पे y है तो y को हमें एज इट इज़ नहीं रखना है तो y की जो वैल्यू है वहाँ पे हमें पुट करनी है तो y की वैल्यू क्या है एकदम स्टार्टिंग में आपने लिखा लिखा था y की वैल्यू y है एक्स टू पावर एक्स टू दावर टू एक्स यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने इसको कंसिडर किया था तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी इस वाले इक्वेशन में एक्स टू पावर एक्स टू द पावर टू एक्स इंटू ये पहले वाला जो है उसको एज इट इज लिख लेंगे एक्स टू द पावर टू एक्स एज इट इज लिया वन अपॉन एक्स पे एज इट इज लिया सिर्फ ये जो टू एक्स टू द पावर टू एक्स है उसको ये मल्टीप्लाई है तो उसको सिर्फ ब्रैकेट के बाहर निकाला हमने तो ये हो गया टू पहले लिया हमने टू लॉग एक्स इन टू एक्स टू द पॉर टू एक्स और ये ब्रैकेट एड टिखी वन प्लस लॉग एक्स तो ये हमारा डी वाई बा डी एक्स हुआ इसके पहले यहाँ पे और एक टर्म है जो कि हम कॉमन ले सकते हैं कौन सी टर्म है यहाँ पे ये टर्म है एक्स टू द पावर टू एक्स क्योंकि इस पहले वाले टर्म में भी एक्स टू द पावर टू एक्स कॉमन है और सेकंड में भी एक्स टू द पावर टू एक्स कॉमन है तो हम क्या करेंगे एक्स टू द पावर टू एक्स कॉमन लेंगे होल ब्रैकेट के बाहर तो एक्स टू तो द पावर टू एक्स कॉमन लेंगे तो ये पहले वाले में सिर्फ वन अपॉन एक्स रिमेन हो जाएगा और दूसरे वाले में ये वाली टर्म हमने ली इसकी वजह से जैसे कि ये x टू द पावर टू एक्स और यहां पे भी क्या है x टू द पावर टू एक्स है तो हमने यहां पे ये कॉमन ले लिया तो एक्स टू द पावर टू एक्स यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया तो रिमेनिंग हो जगह यहाँ पे वन वन अपॉन एक्स प्लस टू लॉग एक्स इंटू एक्स टू द पावर टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर टू एक्स इंटू एक्स टू द पावर टू एक्स इंटू लॉग एक्स अब इसके आगे वाले स्टेप ने हमें क्या किया Log x कॉमन लिया दोनों तरफ से अभी आप सोच रहे होंगे कि पहले वाले टर्म में तो लॉग एक्स नहीं है तो कहाँ से log x कॉमन लिया अगर आप लॉग एक्स कॉमन नहीं निकाल सकते तो आप ये वाली स्टेप भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ पे लॉग एक्स कॉमन आ सकता है तो हम उसको सिंप्लीफाई किया है सिर्फ वन अपन एक्स की जगह लॉग एक्स नहीं है लेकिन सेकंड वाले टर्म में लॉग एक्स है तो हमें लॉग एक्स निकालना है उसमें से तो लॉग एक्स लिया पहले वाले टर्म में लॉग एक्स नहीं है इसकी वजह से हमने क्या किया लॉग एक्स को लॉग एक्स से वहाँ पे डिवाइड कर दिया क्यों किया क्योंकि अगर लॉग एक्स अंदर लेके जाएंगे तो ये वन अपॉन एक्स ही रह जाएगा प्लस टू यहाँ से लॉगेक्स लिया था तो ये यहाँ पे रिमेन हो जाएगा टू इंटू वन प्लस लॉग एक्स ये हमारा डी वाई बडी एक्स फाइनल आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इज वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर ई टू द पावर एक्स सेम जो पहले वाला क्वेश्चन है उसी की तरह ये क्वेश्चन है इसमें भी इसमें भी हम पहले लॉग लेंगे टेकिंग लॉग एरेम ऑन बोथ साइड वी हैव लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर ई टू द पावर एक्स जो भी इसका इंडेक्स है ई टू द पावर एक्स ये लेफ्ट हैंड साइड को आ जाएगा ई टू द पावर एक्स इन टू ये लॉग एक्स हो जाएगा ना वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स सो वी हैव वन अपऑन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लॉग वाई का डेरिवेटिव आता है वन अप ऑन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है तो हम यहाँ पे यू वी रूल अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे इतनी बार हम यू वी रूल अप्लाई कर रहे हैं तो इसको तो ये वाला रूल आपको याद भी हुआ होगा first function as it is into derivative of second function plus second function as it is into derivative of first function equal to e to the power x पहला फंक्शन है तो उसको एज इट इज रखेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स आता है वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स आता है ई टू द पावर एक्स तो अब इसे आप देख सकते हो इस वाले टर्म में अगर कुछ पावर की टर्म आती तो हम क्या करते थे उसको फर्स्ट वाला इक्वेशन दे के फिर उस टर्म को सॉल्व करते थे लेकिन यहाँ पे पावर की टर्म कौन सी नहीं है दो ही टर्म है पावर के वो है ई टू द पावर एक्स और उसका डेरिवेटिव हमें पता है तो इसकी वजह से हमें और इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं अगर यहाँ पे ई टू द पावर एक्स की जगह जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था यहाँ पे एक्स टू द पावर टू एक्स आ रहा था इधर कोई दिक्कत नहीं थी एक्स टू द पावर टू एक्स क्योंकि यहाँ पे डेरेटिव नहीं था लेकिन यहाँ पे एक्स टू द पावर टू एक्स का डेरेटिव निकालता निकालना था जो कि हमें नहीं पता था तो हमने उसको बाद में सिंप्लीफाई किया था लेकिन इस वाले क्वेश्चन में e टू द पावर x का डेरेवेटिव निकालना है log x का हमें पता है डेरेवेटिव ऑफ e टू द पावर e टू द पावर x का भी डेरेवेटिव हमें पता है तो यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर यहाँ पे अगर कुछ अलग टर्म आती है जैसे कि x टू द पावर x, x टू द पावर 2x, x एक्स टू द पावर लॉग x जिसका डेरिवेटिव हमें पता नहीं है उसको और सॉल्व करना पड़ेगा उसका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए तभी हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ओनली सिंपल है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x दिया है तो हमें इसका डेरिवेटिव पता है तो हम इसे और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी ई टू द पावर एक्स वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स डेरेविटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स अब जो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों में ई टू द पावर एक्स कॉमन है तो ई टू द पावर एक्स कॉमन है यहाँ पे तो दोनों में से हमने ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया इधर एक है और इधर एक ठीक है ठीके? तो इन दोनों में से हमने क्या किया e टू द पावर एक्स कॉमन लिया तो ये हो गया e टू द पावर एक्स कॉमन तो वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स देर फोर वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया ई टू द पावर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स ये जो वन अपॉन वाई है वो वाई हम अब राइट हैंड साइड को लेके जाएंगे तो ये हो गया वाई इन टू ई टू द पावर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स अब हम ये y की वैल्यू जो भी है वो y की वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू है हमारी x टू द पावर e टू द पावर x तो हम क्या करेंगे ये वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो गया x टू द पावर e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x इंटू वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स यहाँ आपने क्या किया आपने y इक्वल टू एक्स टू द पावर ई एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स हुआ x इंटू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x इंटू वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स थर्ड थर्ड एग्जाम्पल है हमारा ई टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों एग्जाम्पल है सेम टाइप के एग्जाम्पल है पावर के पावर के पावर में आते हैं ठीक है तो यहाँ पे वाई हमने ई टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स कंसिडर किया था तो फर्स्ट इफ़ हमारी एज यूजल वही यूज़ करेंगे टेकिंग लॉगेथम ऑन बोथ साइड सो वी हैव लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द पावर x टू द पावर x तो इसके पहले भी मैंने आपको कहा था जो भी इंडेक्स होता है बेस छोड़ के बेस में फिर वो ए हो ई हो टेन e हो, हो उसको एज इट इज लेना है और जो भी इंडेक्स उसका फिर x हो x टू द पावर x हो e टू द पावर x हो वो लेफ्ट हैंड साइड को आएगा तो यहाँ पे इंडेक्स जो है log e इसके पावर में x टू द पावर x है तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेके आएंगे तो ये हो गया x टू द पावर x इन टू लॉग ए लॉग ए की वैल्यू हमें पता है वन आती है तो यहाँ पे हमने log e की जगह वन लिया तो ये हो गया x टू द पावर x इंटू 1 इक्वल टू x टू द पावर x. नाउ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो so, ये हो गया वन अपॉन y इंटू डी वाई बाई इक्वल टू लॉग वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन dy इंटू डी वाई बाई लेते हैं सारे एग्जांपल में यही करना है लॉग बाई का डेरिवेटिव ले लो वन अपॉन वाई डी फिर राइट हैंड साइड का डेरेवेटिव ले लो यू है तो उसका डेरेवेटिव ले लो वन अपन यू इंटू फिर राइट हैंड साइड का ले लो तो डेरिवेटिव लेने के बाद राइट हैंड साइड को आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स तो अगर यहाँ पे एक्स टू द पावर एक्स की जगह ई टू द पावर एक्स होता तो आप क्या लेते थे इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली ई टू द पावर एक्स लेते थे लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स टू द पावर एक्स है इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव हमें मालूम है क्या नहीं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको अगेन सॉल्व करना पड़ेगा और फिर इक्वेशन वन में वो वैल्यू बाद में पुट करनी पड़ेगी तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यू कंसिडर करते हैं तो हमने यू कंसिडर किया x टू द पावर x को तो इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि पावर के पावर में है तो हमने यहाँ पे लॉग लिया टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड्स वी हैव लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x इक्वल टू ये पावर का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को जाता है तो ये x की पावर में x है तो x लेफ्ट हैंड साइड को आएगा तो ये होगा x इंटू लॉग एक्स ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है x इंटू लॉग एक्स तो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव वन अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स लॉग यू का डेरिवेटिव इक्वल टू एक्स को पहला फंक्शन मान लो और लॉग एक्स को दूसरा फंक्शन मान लो तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डेरेवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरेवेटिव ऑफ एक्स पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो वन अपॉन यू इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन डेरेवेटिव एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन वन अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वन बाय एक्स मेंस कैंसिल हो जाएगा प्लस लॉग एक्स इंटू वन की वैल्यू आ जाएगी लॉग एक्स तो वन अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा वन प्लस लॉग एक्स ये जो वन अपॉन यू है हम राइट हैंड साइड को लेके जाएंगे तो ये होगा यू इंटू वन प्लस लॉग एक्स नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ यू हेयर यू इज सी यू इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स सो वी पुट हेयर द वैल्यू ऑफ यू द फोर डी यू बाई डी एक्स बिकम्स एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स put this value in equation 1 we have here is equation 1 1 upon y dy by dx equal to derivative of x to the power x इसको हमने equation 1 दिया था तो ये जो derivative की value जो हमें मालूम नहीं थी वो हमने यहाँ पे निकाली है तो ये वाली जो value है derivative of x to the power x की वो यहाँ पे हम put कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 upon y dy by dx equal to x to the power x into 1 plus log x अब ये वन अपन वाई हम राइट हैंड साइड को लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स टू दावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स नवई पुट द वैल्यू ऑफ वाई हियर वाई टू द पावर एक्स टू दावर एक्स सो पुट हियर द वैल्यू ऑफ वाई the power x to the power x into x to the power x into वन plus log x therefore dy by dx बिकम्स टू दावर एक्स टू दावर एक्स इंटू एक्स टू दावर एक्स इंटू वन प्लसाइज फाइन डीवाईक्वल टू गिवस वन बाई एक्स टू दावर एक्स ये जो एग्जाम्पल्स है थोड़े से जो पहले वाले एग्जाम्पल थे उससे थोड़ा सा ईजी है यहाँ पे हमें उसी तरह डरेवेटि निकालना है सिर्फ वहाँ पे x टू द पावर x में था e टू द पावर x में था यहाँ पे x की जगह एक ब्रैकेटेड टर्म दी है वन प्लस वन बाई एक्स जैसे हो और जो सेकंड क्वेश्चन है उन्होंने वहाँ पे दिया है टू एक्स प्लस फाइव टू द पावर x ब्रैकेटेड टर्म में कुछ पावर दिए हैं थर्ड जैसे कि है क्यूब रूट और फोर्थ रूट में जैसे मैं स्टार्टिंग में भी इसके एग्जांपल्स कुछ बताए थे उसमें बताया था कि फोर्थ रूट और क्यूब रूट में कुछ वेरिएबल वेरिएबल आ रहा हो तो आप वहाँ पे लॉक की मेथड यूज़ करो वैसे ही ती, तो ये थर्ड तीन क्वेश्चन जो है ये हम वन बाय वन देखेंगे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में का उसको हम देखेंगे पहले वाई इक्वल टू गिवन है वन प्लस वन बाय एक्स टू द पावर एक्स नाउ वी अपलाई द लॉगरिथम ऑन बोथ साइड सो वी हैव लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स टू द पावर एक्स सो ये पावर में जो भी एक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड को आता है बाई यूजिंग द रूल लॉग ऑफ एक्स टू द पावर यन इक्वल टू यन इन टू लॉग एक्स तो यहाँ पर एक्स इंटू आ जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में भी हमने किया था नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव लेफ्ट हैंड साइड को आएगा वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल हम अप्लाई कर रहे हैं तो एक्स एज इट इज रह जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स इन टू डेरेवेटिव ऑफ एक्स तो एक्स एज इट इज़ हो जाएगा डेरेवेटिव ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू हमें पता है ये कैसे निकाला हमने वन अपॉन वन प्लस वन बाय एक्स क्योंकि हमें लॉग एक्स पता है डेरेविटिव ऑफ लॉग एक्स होता है वन अपॉन एक्स यहाँ पे मैंने दिया है तो एक्स की जगह यहाँ पे वन प्लस वन बाय एक्स है तो ये एक्स की जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे वन अपॉन एक्स की जगह आएगा वन प्लस वन बाय एक्स तो एक्स था पहले इस स्टैंडर्ड फार्मूला में तो इसका डेरिवेटिव वन आता था तो हम नहीं लेते थे लेकिन यहाँ पे वन प्लस वन बाय एक्स है तो उसका डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई में लेना ही पड़ेगा तो डेरिवेटिव में आ जाए इनटू में आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज़ लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स आता है वन ये स्टैंडर्ड फार्मूला है तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा यहाँ पे जो x था मल्टीप्लाई में x इंटू वन बाई वन प्लस वन बाय एक्स को पुट कर दिया हमने x अपॉन वन प्लस वन बाय एक्स इन टू यहाँ पे देखो डेरीवेटिव ऑफ वन प्लस वन बायक्स हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ वन आता है जीरो क्योंकि वन हमारा कॉन्स्टेंट है प्लस वन बाय एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ डेरीवेटिव प्लस लॉग ऑफ वन प्लस वन बाइक्स है लिखने की जरूरत नहीं ये आ जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है जीरो प्लस माइनस वन बाय एक्स स्क्वायेर था उसको सिंप्लीफाई करके माइनस वन बाय एक्स स्क्वायेर ले लिया प्लस लॉग ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स बाकी के स्टेट एज इट इज है यहाँ पे तो नेक्स्ट स्टेप ने हमने ले लिया एक्स अपॉन जो वन प्लस वन बाय एक्स है उसको हमने सिंप्लीफाई किया है एलसीएम आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने वन इंटू एक्स आता है एक्स प्लस सिर्फ इस वाले टर्म को आप देखो वाली वैल्यू यहाँ पे हमने ये सॉल्व किया है सिर्फ इसको देखो आप वन प्लस वन बाय एक्स को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है नेक्स्ट स्टेप में वन इंटू तो एक्स एक्स प्लस वन इंट वन वन डिवाइडेड बाय एक्स तो वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस ब्लैकेटेड टर्म यहाँ पे भी मैंने दिया है ये आता है एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू माइनस वन एज इट इज एंड सेकंड टर्म आल्सो एज इट इज लॉग ऑफ वन प्लस वन तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया ये जो एक्स प्लस वन बाय एक्स का एक्स था डिवाइड में का वो ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है आपको पता ही होगा अगर वन अपॉन वन बाय एक्स आता है तो उसको हम लिखते हैं एक्स ऊपर जाता है मल्टीप्लाई करके जैसे कि जैसे कि यहाँ पे अगर वन अपॉन वन अपॉन एक्स है तो हम इसको लिखते हैं वन इंटू एक्स बाय वन ठीक है तो वन इंटू एक्स बाय वन क्या आता है क्योंकि वन बाय एक्स ऊपर जाके क्या हो जाता है एक्स बाय वन हो जाता है तो ऊपर जाके वन इंटू एक्स ही आता है तो उसकी वैल्यू आ गई एक्स आ गई तो ये हो जाता है इक्वल टू एक्स तो ये वैसे ही यहाँ पे आ गया ये ऊपर जाके आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन इंटू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज से माइनस एक्स स्क्वायर कैसे यह पता चला एक्स प्लस वन बाय एक्स जो है उसको हमने सिर्फ उल्टा कर दिया मल्टीप्लाई में जाता है तो एक्स ऊपर जाता है और एक्स प्लस वन बाय एक्स नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में तो ये हो जाता है एक्स इन एक्स मतलब ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाता है और डिवाइड में एक्स प्लस वन एज इट इज रहता है तो ये स्टेप हो गई तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रिमेंस रह जाएगा ये माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस लॉग ऑफ वन प्लस वन एक्स तो मैंने पहले लिया है लॉग ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स और ये जो माइनस था माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन तो उसको हमने लिया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की जगह सिर्फ मैंने वन प्लस एक्स लिखा है वही आता है वो इक्वल टू तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया हमारा तो ये वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स था जो हमारा तो हमने ये वाई जो है वो राइट हैंड साइड को ले लिया तो ये हो गया वाई इन टू लॉग ऑफ ये ऊपर की टर्म एक्स 1 1 1 1 1 तो y की वैल्यू पे हमें पुट करनी है y है हमारा टू द पावर तो हमने यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी वन प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस वन अपॉइन वन प्लस एक्स नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव टू द पावर एक्स सो एज यूजल हमें लॉगेथम यहाँ पे लेना है टेकिंग लॉगेथम ऑन बोथ साइड्स वी हैव लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ टू एक्स प्लस फाइव टू द पावर एक्स तो ये जो इंडेक्स है लॉग का और लेफ्ट हैंड साइड को आएगा तो ये हो जाएगा एक्स इन टू लॉक ऑफ टू एक्स प्लस फाइव है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू एक्स सो वी गेट वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड को आएगा इक्वल टू इसको हम यू वी रूलो यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक्स को एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे और जो लॉग ऑफ टू एक्स प्लस फाइव है उसको एज अ हम सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज लॉग ऑफ टू एक्स प्लस फाइव प्लस लॉग ऑफ टू एक्स प्लस फाइव इंटू ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ टू एक्स प्लस फाइव का डेरिवेटिव आता है वन अपॉइन्ट टू एक्स प्लस फाइव इंटू डेरेवेटिव ऑफ़ टू एक्स प्लस फाइव हम लेंगे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में और एक बार उसका डेरिवेटिव क्यों लिया है क्योंकि यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स नहीं है तो यहाँ पे लॉग ऑफ टू एक्स प्लस फाइव है तो अगर एक्स होता तो मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन ही आता है तो हम वहाँ पे लिखते नहीं हैं लेकिन एक्स की जगह अगर कोई ब्रैकेटेड टर्म आती है वहाँ पे तो हम उसका डेरिवेटिव इंटू में हमेशा लेते ही हैं तो यहाँ पे वन एक्स प्लस फाइव इंटू हमने ले लिया डेरेवेटिव प्लस लॉग ऑफ टू एक्स प्लस एज इट इज इंटू ऑफ एक्स वन सो पहले वाले टर्म हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्स इंटू वन अपॉइंट टू एक्स प्लस फाइव को हमने लिख लिया एक्स अपॉइंट टू एक्स प्लस फाइव इंटू डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स प्लस फाइव हमें सॉल्व करना है टू एक्स का डेरिवेटिव आता है टू क्योंकि टू एज इट इज आता है और एक्स का डेरिवेटिव वन आता है तो टू इंटू वन टू प्लस फाइव कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो आता है तो यहाँ पे आ गया टू प्लस जीरो प्लस सेकेंड जो टर्म है उन इंटू मल्टीप्लीकेशन में वन है तो एज इट इज आ जाएगी वो आएगा लॉग ऑफ टू एक्स प्लस फाइव तो ये जो टू प्लस ज़ीरो आता है टू ये मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स को तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा टू एक्स अपॉन टू एक्स प्लस फाइव प्लस लॉग ऑफ टू एक्स प्लस फाइव एज इट इज़ तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो गया ये वन अपॉन डी वाई डीवाई बाई डी एक्स हम ये सॉल्व कर रहे थे तो ये वन अपॉन वाई राइट हैंड साइड को जाके y हो जाएगा और ये जो ऊपर की टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी टू एक्स अपॉन टू एक्स प्लस फाइव प्लस लॉग ऑफ टू एक्स प्लस फाइव नाउ डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स पुट द वैल्यू ऑफ वाई हेयर वाई इज टू एक्स प्लस फाइव टू द पावर एक्स सो पुट टू एक्स प्लस फाइव टू द पावर एक्स इंटू टू एक्स अपॉन टू एक्स प्लस फाइव प्लस लॉग ऑफ टू एक्स प्लस फाइव ये हो गया हमारा लास्ट आंसर डी वाई बाई टी ए थर्ड क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव माइनस एक्स स्क्वायर ये जो एग्ज़ाम्पल है थोड़ा सा पहले वाला एग्जाम्पल से चेंज है इस वाले एग्जाम्पल में हमें पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लेंगे मतलब क्यूब रूट जहाँ पर है उसको हम वन बाई थ्री लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग लेने में से प्रॉब्लम नहीं आएगी तो क्यूब रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस वन क्यूब रूट फोर्थ रूट फिफ्थ रूट स्क्वायर रूट अगर ऐसे में कुछ एग्जांपल्स आपको आते हैं जिसमें वेरिएबल वेरिएबल के फॉर्म में हो मतलब जहाँ पे आप ये लॉगरिथम मेथड यूज़ कर सकते हो उस वाले एग्जांपल में स्टार्टिंग में आपको जो क्यूब रूट है फोर्थ रूट है सेकंड रूट जो भी स्क्वायर रूट है तो उसको आपको ऐसे लिखना है क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल टू जैसे कि हम लिखते हैं एक्स टू द पावर वन बाय थ्री स्क्वायर रूट अगर दिया हो क्वेश्चन में तो हम उसको पहले लिख लेंगे एक्स टू द पावर वन बाई टू की फॉर्म में मतलब ब्रैकेटेड टर्म टू द पावर वन बाय टू अगर फोर्थ रूट है तो उसको हम लिखेंगे टू द पावर वन बाई फोर ऐसे तो यहाँ पे क्यूब रूट है तो हमने वो ब्रैकेटेड जो अंडर रूट में क्यूब uh, रूट में जो भी अंदर के टर्म्स है थ्री एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव माइनस एक्स स्क्वायर उसको हमने एजेटिव लिखा और क्यूब रूट की जगह हमने यहाँ पे लिखा है वन बाई थ्री सो पहले लॉगरिथम अप्लाई करेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी हैव लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ थ्री एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव माइनस एक्स होल स्क्वायर टू द पावर वन बाय थ्री ये जो पावर का वन बाई थ्री है वो लेफ्ट हैंड साइड को आएगा तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री इंटू लॉग ऑफ थ्री एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव माइनस एक्स होल स्क्वायर तो इसके बाद वाले नेक्स्ट स्टेप में हमें लॉग ऑफ m बाई एंड का रूल यहाँ पे अप्लाई करना है हमें यहाँ पे पता है लॉग ऑफ एम्बा एन का रूल लॉग एम माइनस लॉग एन होता है मतलब जहाँ भी डिवाइडेशन में अगर कोई वेरिएबल वेरिएबल हो लॉग में तो उसको जब हम सिम्प्लीफाई करते हैं तो लॉग में जब सेपरेट हो जाता है वो ले लेके बाहर आता है मतलब अगर लॉग ऑफ एम्बा एन है तो उसको हम लिखेंगे लॉग एम माइनस लॉग इन यहाँ पर एम की जगह है थ्री एक्स माइनस वन और n की जगह है टू एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव माइनस एक्स होल स्क्वायर तो हम यहाँ पे पहला ये रूल अप्लाई करेंगे इसमें दो रूल अप्लाई कर करने होते हैं क्योंकि यहाँ पे डिनिट्री में एक मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो हम वन बाय वन अप्लाई करेंगे पहले हम वो इस डिवाइडेशन को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री इंटू लॉग ऑफ थ्री एक्स माइनस वन माइनस लॉग ऑफ टू एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव माइनस एक्स होल स्क्वायर यहाँ पे हमने एम बाई एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन रूल अप्लाई किया है नेक्स्ट वाले स्टेप में जो भी हमें सेकेंड टर्म है सेकंड ब्रैकेटेड टर्म लॉग ऑफ टू एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव माइनस एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करके लेंगे तो ये हो जाएगा वन बाय थ्री इंटू लॉग ऑफ थ्री एक्स माइनस वन माइनस लॉग ऑफ टू एक्स प्लस थ्री प्लस लॉग ऑफ फाइव माइनस एक्स स्क्वायर उसको हमने क्या किया ये वाला रूल अप्लाई किया लॉग ऑफ एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन तो एक कैसे आया है यहाँ पे लॉग ऑफ़ टू एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव माइनस एक्स था तो हमने लॉग को सेपरेट किया तो मल्टीप्लीकेशन में लॉग एडिशन लेके बाहर आता है तो ये हो जाता है लॉग ऑफ टू एक्स प्लस थ्री प्लस लॉग ऑफ़ फाइव माइनस एक्स होल स्क्वायर तो ये माइनस की जो साइन है वो हमने पहले बाहर ही रखी है बाद में इसको हम अंदर लेके जाएंगे तो ब्रैकेटेड टर्म को माइनस अप्लाई होगा तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही स्टेप करने वाले हैं वन बाई थ्री इं टू लॉग ऑफ थ्री एक्स माइनस वन एज़ इट इज़ ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये लॉग ऑफ माइनस ऑफ लॉग ऑफ टू एक्स प्लस थ्री होगा और ये आगे होगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ फाइव माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना वी डिफरेंशिएटिव सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गया ना वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डेरेविटिव ऑफ वन बाय थ्री इंटू लॉग ऑफ थ्री एक्स माइनस वन माइनस लॉग ऑफ टू एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग ऑफ फाइव माइनस एक्स होल स्क्वायर लॉग वाई का डेरिवेटिव आता है वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये वन बाय थ्री जो कॉन्स्टेंट है वो हमने बाहर लिया है और वन बाय वन जो ब्रैकेटेड के टर्म है उसको हमने डेरेवेटिव अप्लाई करा है पहले हम अप्लाई करेंगे लॉग ऑफ थ्री एक्स माइनस वन को लॉग ऑफ थ्री एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव आता है वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वन इंटू डेरेवेटिव ऑफ थ्री एक्स माइनस वन यहाँ पर हमने इंटू भी डेरेवेटिव ऑफ़ थ्री एक्स माइनस वन इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है थ्री एक्स माइनस वन है तो उसका हमें डेरेवेटिव लेना ही पड़ता है अगर एक्स होता है तो हम उसका डेरेवेटिव नहीं लेते लेकिन एक्स की जगह अगर कोई ब्रैकेटेड टर्म में एक्स का फंक्शन आता है तो उसको हमें डेरेवेटिव इंटू में लेना ही पड़ता है माइनस वैसे हमने यहाँ पे लिया है लॉग ऑफ टू एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव आता है वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री इंटू डेरेवेटिव ऑफ टू एक्स प्लस थ्री माइनस इसका भी डेरिवेटिव सेम वन अपॉन फाइव माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फाइव माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे और कुछ सिम्प्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सारों के डेरेवेटिव हमें पहले ही पता है तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री इंटू अब थ्री एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव पहले सॉल्व करो थ्री एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव आता है थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो मीन्स आता है थ्री माइनस जीरो थ्री तो ये थ्री जो है हमने मल्टीप्लाई में ऊपर लिया है न्यूमरेटर में तो ये हो गया थ्री अपॉन थ्री एक्स माइनस वन उसी तरह हम सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स प्लस थ्री आता है डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स टू प्लस डेरिवेटिव ऑफ थ्री जीरो मीन्स टू प्लस जीरो टू टू अपॉन टू एक्स प्लस सी आ गया ये माइनस वन अपॉन फाइव माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज अब ये फाइव माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे निकाला है ये आप देख लो डेरिवेटिव ऑफ फाइव माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है टू इंटू फाइव माइनस एक्स इन डेरिवेटिव ऑफ फाइव माइनस एक्स ये कैसे आ गया आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है टू एक्स वैसे ही यहाँ पे फाइव माइनस एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है टू इंटू फाइव माइनस एक्स एक्स की जगह यहाँ पे फाइव माइनस एक्स है तो वहाँ पे हम एक्स का एक्स का डेरिवेटिव फिर वन आता है तो मल्टीप्लिकेशन में हम नहीं लेते तो यहाँ पे फाइव माइनस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लिकेशन में और एक बार लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर के टर्म में है अगर ओनली यहाँ पे फाइव माइनस एक्स होता तो उसका हम डेरिवेटिव लेते थे जीरो माइनस वन देट इज़ माइनस वन लेकिन यहाँ पे फाइव माइनस एक्स ओनली नहीं है तो फाइव माइनस एक्स होल स्क्वायर है तो जैसे कि हम एक्स स्क्वायर को लेते हैं टू एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स वैसे ही यहाँ पे लेना है हमें टू इंटू फाइव माइनस एक्स इंटू डेरेवेटिव ऑफ़ फाइव माइनस एक्स तो टू इंटू फाइव माइनस एक्स एज इट इज फाइव माइनस एक्स का डेरेवेटिव आता है फाइव का डेरेवेट जीरो माइनस एक्स का डेरेविव आता है वन तो ये हो गया टू इंटू फाइव माइनस एक्स इंटू माइनस वन ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आएगा माइनस टू इंटू फाइव माइनस एक्स इंटू माइनस वन अपॉन फाइव माइनस एक्स स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप देख लो वन बाय थ्री इंटू थ्री अपॉन थ्री एक्स माइनस वन माइनस टू अपॉन टू एक्स प्लस थ्री ये पहले दो टर्म इज लिए है ये जो माइनस वन है वो बाहर आने के बाद माइनस माइनस से माइनस को प्लस कर देगा तो ये प्लस आ जाएगा प्लस टू इंटू फाइव माइनस एक्स अपॉन फाइव माइनस एक्स होल स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में आएगा वन बाई थ्री इंटू थ्री अपॉइन्ट थ्री एक्स माइनस वन माइनस टू टू एक्स प्लस थ्री प्लस यहाँ पे फाइव माइनस एक्स और ये जो स्क्वायर की टर्म है फाइव माइनस एक्स होल स्क्वायर की उसमें से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और न्यूमरेटर में रह जाएगा टू और डिनोमिनेटर में रह जाएगा फाइव माइनस तो हमारा डी वाई बाई डी ये जो वन अपॉन वाई है वो राइट हैंड साइड को आने के बाद वाई हो जाएगा इंटू में तो वाई इंटू वन बाई थ्री थ्री अपॉइंट थ्री एक्स माइनस वन माइनस एक्स तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो y की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव माइनस एक्स होल स्क्वायर तो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की और बाकी की टर्म एज इट इज होगी यहाँ पे वन बाई थ्री इंटू थ्री अपॉइंट थ्री एक्स माइनस वन माइनस टू अपॉइंट टू एक्स प्लस थ्री प्लस टू अपॉइन्ट फाइव माइनस एक्स ना विल्व देख क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड डिवेबी एक्स अब जी क्वेश्चन जो थर्ड वाला है उसमें मर्ज किए हुए एग्जाम्पल्स हैं मतलब पहले वाले क्वेश्चन में सेकंड वाले क्वेश्चन में आपने सिंगल सिंगल फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकाले थे जो कि पावर में है अब यहाँ पे एडिशन में आएंगे वो टर्म्स फंक्शंस जैसे कि लॉग एक्स टू द पावर एक्स आपने सिंगल निकाला हो तो यहाँ पे सारे मर्च करके आएंगे लॉग एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर लॉग एक्स और एक भी टर्म आ आ सकती है यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग में लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है आपको पहले वन बाय एक एक को पुट करना पड़ेगा उसका डेरेविटिव निकाल के फिर उसका फर्स्ट का डायरेविटी निकालना पड़ेगा सेकंड का डायरेविटिव निकालना पड़ेगा अगर थर्ड को तीन क्वेश्चन है तो थर्ड का डायरेटिव निकालना पड़ेगा और फाइनली इक्वेशन वन में आपको ये सारे डेरेटिव पुट करने पड़ेंगे जैसे कि यहाँ पर हमने सॉल्व किया है लॉग एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर लॉग एक्स ये मेथड यू प्लस वी मतलब पुट करने की और एडिशन करने की जो मेथड है सिर्फ इसी वाले एग्जाम्पल में आपको अप्प्लाई करनी है तो ये कैसे समझ जाएगा कि कब ये ऐसा अप्लाई करना है जब भी आपको एडिशन में दो तीन फंक्शन का एडिशन दिखे पावर के फंक्शन का जैसे कि log x टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर एक्स है ये दोनों भी पावर के फंक्शन है लेकिन ये दोनों सेपरेट नहीं आए हैं तो साथ में आए हैं जब भी ऐसे आते हैं फंक्शंस तो हमें ये वाली मेथड आपको यूज़ करनी है लॉगरिथम मेथड ही है लेकिन स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा लॉग लेके डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं सिर्फ फर्स्ट उसको पुट करो उसके बाद उसका डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव निकालो तो डेरिवेटिव भी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स आता है उसके बाद फिर डी यू बाई और डी वी बाई डीएक्स की वैल्यू के लिए हमें लॉग लेने की आगे जरूरत है तो हमने यहाँ पे यू को पुट किया लॉग एक्स टू power एक्स एंड वी को पुट किया एक्स टू the लॉग log वाई बी कम्स यू प्लस वी नाउ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाईस डी वी बाई डीएक्स ये हुआ हमारा पहला स्टेप इसमें हमें इक्वेशन मन देना है इस वाले स्टेप को अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है डी यू बाई डी एक्स निकालो और फिर डी व्यू बाई डी एक्स निकालो और उसमें वन में पुट कर दो तो पहले हम डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे यू क्या है लॉग एक्स टू द पावर एक्स तो यू हमने कंसिडर किया लॉग एक्स टू द पावर एक्स इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते क्योंकि पावर के पावर में है अगर ये ए टू द पावर एक्स होता e टू द पावर एक्स होता तो हम डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव निकाल सकते थे लेकिन ये लॉग एक्स टू द पावर एक्स इसका डेरेवेटिव हमें पता नहीं है तो हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कैलकुलेट करने पर करने के लिए हमें log की ज़रूरत होगी क्योंकि ये पावर में है तो हम इसे सिंपलीफाई करने के लिए पहले लॉग यूज करेंगे तो ये जो पावर का x है वो लेफ्ट हैंड साइड को आएगा, तो ये हो जाएगा नाउ वी डिफरशियट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव वन अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स लेफ्ट का डेरिवेटिव आ गया इक्वल टू एक्स को पहला कंसिडर करो फंक्शन और लॉग ऑफ लॉग एक्स को सेकंड वाला फंक्शन कंसिडर करो तो ये हो जाएगा x इंटू डेरेविटिव ऑफ़ लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू डेरेविटिव ऑफ एक्स एक्स एज इट इज डेरेवेटिव ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स आएगा वन अपन लॉग एक्स इन टू ऑफ लॉग एक्स ये कैसे आया लॉग एक्स जो ब्रैकेट में है उसको आप इमेजिन करो कि यहाँ पे लॉग एक्स नहीं है एक्स है तो उसका डेरेटिव आप कैसे निकालोगे अगर लॉग एक्स की जगह मैंने इमेजिन किया कि वहाँ पे एक्स है तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा ना तो लॉग एक्स का डेरेटिव क्या आता है वन अपॉन एक्स आता है तो वैसे निकालना है यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरेटिव आएगा वन अपॉन लॉग एक्स लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है लॉग एक्स है तो उसका डेरेटिव मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा तो यहाँ पे हमने ले लिया वन अपॉन लॉग एक्स इंटू डेरेविटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज इंटू डेरेविटिव ऑफ एक्स आता है वन तो वन हमने यहाँ पे लिख लिया है एंड नेक्स्ट स्टेप में एक्स इंटू लॉग एक्स एक्स इंटू वन अपॉन लॉग एक्स को हमने लिख लिया एक्स अपॉन लॉग एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ लॉग एक्स आता है वन अपॉन एक्स तो हमने वो ले लिया है प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू वन की वैल्यू आती है लॉग ऑफ लॉग एक्स नेक्स्ट स्टेप में इसके पहले हम एक्स एक्स कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स therefore du by dx becomes डी upon बिकम्स ये वन अपॉन यू जो है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड को लेकर आओ तो यू इन टू वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा अब यहाँ पे हमें यू की वैल्यू पुट करनी है यू है हमारा लॉग एक्स टू द पावर एक्स तो यहाँ पे हम वो पुट कर देंगे तो हमारा डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा यू इन टू वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स दैट इज डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा लॉग एक्स टू द पावर एक्स into वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स इसको इक्वेशन सेकेंड ले लो अब हम डी वी बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे ये डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में हमें चाहिए डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स जो कि हमारे पास नहीं है उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है तो वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे लॉग यूज़ करेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे इसके आगे के भी जो एग्जांपल्स उसमें भी हमें ऐसे ही करना है ये वाला ये वाले जो मेथड है वो इसी एग्जांपल में यूज़ करनी है आपको यू वी डब्ल्यू कंसिडर करने की अब हम v का डेरिवेटिव निकालेंगे v इक्वल टू एक्स टू द पावर लॉग एक्स नाउ टेक द साइड्स वी हैव लॉग v इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर लॉग x तो ये जो पावर का लॉग x है लेफ्ट हैंड साइड को आएगा तो ये हो जाएगा लॉग x इंटू लॉग ऑफ x तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये दो टाइम्स है तो ये हो जाएगा लॉग x इंटू लॉग एक्स इक्वल टू लॉग होल स्क्वायर नाउ विफ्रेंशिएट अबो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव वन अपॉन बी टी वी बाई डी एक्स जो कि लेफ्ट हंड साइड का डेरेवेटिव है इक्वल टू अब लॉग एक्स होल स्क्वायेयर का हमें डेरेवेटिव निकालना है आपको पता है एक्स स्क्वायोयर का डायरेटिव क्या आता है एक्स स्क्वायेयर का डायरेवेटिव आता है टू एक्स तो लॉग एक्स होल स्क्वायेयर का डायरेटिव क्या आएगा टू लॉग एक्स लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है लॉग एक्स है तो उसका डायरेवेटिव मल्टीप्लिकेशन में फिर लेना पड़ेगा तो ये हो गया टू लॉग एक्स इंटू डेरेवेटिव ऑफ लॉग एक्स

नावी पुट द वैल्यूज ऑफ टू एंड थ्री दैट इज द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डीएक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन क्या है डी यू बाई डी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारी लॉग एक्स टू द पॉवर एक्स इन टू वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स यहाँ पे हमने पुट की प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारी एक्स टू द पावर लॉग एक्स इन टू लॉग एक्स अपॉन एक्स ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर नाउ वी सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन एक्स टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स ये जो सेकंड क्वेश्चन है आप होमवर्क को ले लो क्योंकि ईजी है इससे भी ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसमें ईजी ये है ए टू द पावर एक्स को आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए टू द पावर एक्स जो एग्जाम्पल में आया है उसका डायरेटिव आपको डायरेक्टली पता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉक ए तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक्स टू द पावर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो ये वाला एग्जाम्पल आप घर पे ट्राई करो इसका लास्ट आंसर है एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉक एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स इंटू अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे टेन टू द पावर y इक्वल टू गिवन है टेन टू द पावर x टू द पावर x प्लस टेन टू द पावर x टू द पावर टेन प्लस टेन टू द पावर टेन टू द पावर x यहाँ पे अब मैंने अब पहले ये बताया था कि दो तीन चार भी फंक्शन आ सकते हैं तो हमें जितने फंक्शन है उसको एज अ u v w उसके बाद जो भी आएगा वो कंसिडर करना है तो यहाँ पे तीन फंक्शन आए तो यू वी डब्ल्यू हम लेंगे दो आए तो यू वी लेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने u को कंसिडर किया पहला फंक्शन टेन टू द पावर x टू द पावर x v को किया सेकंड फंक्शन टेन टू द पावर x टू द पावर टेन एंड w इक्वल टू टेन टू द पावर टेन टू द पावर एक्स फॉर वाई बिकम्स यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू ना वी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स ये हमारा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट स्टेप हुई हमारी ये अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे यू को कंसिडर करके डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे वी को कंसिडर करके डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालेंगे डब्ल्यू को कंसिडर करके और फिर ये तीनों की वैल्यूज हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे तो हम पहले डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं यू हमारा है टेन टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स तो ये एक पावर के टर्म्स है तो इसको हम लॉग ही यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते

तो ये हो जाएगा हमारा x टू दावर एक्स इंटू डेरेविटिव ऑफ लॉक टेन प्लस लॉक टेन इंटू द पावर x, x, x. यहाँ पे हमने यू वी रूल यूज़ किया है लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज वन अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स एज इट इज डेरेविटी ऑफ लॉक टेन इज जीरो यहाँ पे जीरो क्यों ले लिया क्योंकि लॉक टेन एक कॉन्स्टेंट है लॉक x अगर आता तो वेरिएबल हो जाता लॉक टेन है तो कॉन्स्टेंट है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है प्लस लॉक टेन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स अब यहाँ पे डेरिवेटिव तो हम निकाल रहे हैं लेकिन डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स की वैल्यू पता है क्या हमें नहीं पता है तो क्या करना पड़ेगा फिर उसको और एक बार सॉल्व करना पड़ेगा तो इसको हमने एज अ सेकेंड इक्वेशन कांसर किया तब तक के लिए अब हम पहले ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स निकालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ये पावर में दिया है तो और एक स्टेप यहाँ पे पड़ेगी तो हम क्या करेंगे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे चाहिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इसके पहले भी आपने सॉल्व किया है वैसे ही सोल्व किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे अब आपने यू तो ले लिया नोटेशन वी भी नोटेशन ले लिया डब्ल्यू भी नोटेशन ले लिया तो हम क्या करेंगे इसका ही एक पार्ट है यू का इसकी वजह से हम इसको यू डैश कंसिडर करेंगे तो लेट यूडाइश इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टेकिंग लॉग एट द मन बोथ साइड से पहले वाले क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया है लॉग यूडाश इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू वे पावर लेफ्ट हैंड साइड रुकाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एक्स इन लॉग एक्स

दर डी यू डैश बाई डी एक्स बिकम अपॉन यू डैश हम राइट आंसाइड को लेके जाएंगे तो यू डैश मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये हो जाएगा यू डैश इंटू वन प्लस द वैल्यू ऑफ यू डैश इज एक्स टू द पावर एक्स सो पुट द वैल्यू डैश अपॉन डी एक्स बिकम एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स नाउ नव पुट द वैल्यू ऑफ डी यू डैश अपॉन डी एक्स इन द इक्वेशन टू मींस यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स की जो हमने यू डैश कंसिडर करके वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इक्वेशन टू में तो हमारा इक्वेशन टू हो जाएगा टू वन अपॉन यू डी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉक टेन लॉक टेन टेक एज इट इज लॉक टेन इन टू इन द प्लेस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर एक्स वी पुट एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स क्योंकि हमने ये उसका डेरिवेटिव निकाला है तो ये हो गया लॉग टेन इंटू एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स एक्स टू द पावर एक्स हम बाहर निकालेंगे इसमें तो ये हो जाएगा लॉग टेन इंटू एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स ये जो वन अपॉन यू है और अटेंट शुरू कराने के बाद यू हो जाएगा तो ये हो जाएगा यू इंटू लॉक टेन एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स देवर डी यू बाई डी एक्स बिकम्स पुट द वैल्यू ऑफ़ यू हियर यू इज 10 to the power x to the power x. 10 to the power x to the power x into log 10 into x to the power x into 1 plus log x. Give us equation 2 dash. Now we solve dv by dx. Let v equal to 10 to the power x to the power 10. Taking logarithm on both sides, we have log v equal to. लॉग ऑफ टेन टू द पावर एक्स टू द पावर टेन इक्वल टू एक्स टू पावर टेन यहाँ पे पावर है तो लेफ्ट हैंड साइड को आएगा तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर टेन इंटू लॉग ऑफ टेन दे फो लॉग वी बिकम्स एक्स टू द पावर टेन इंटू लॉग ऑफ टेन नाउ वी डिफरेंशिएट अबो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैवन अपोन वी इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू x टू द पावर टेन को फर्स्ट फंक्शन मान लो लॉक टेन को सेकंड फंक्शन मान लो x टू द पावर टेन इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉक टेन प्लस लॉक टेन इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर टेन x टू पावर टेन टेन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉक टेन कॉन्स्टेंट है तो जीरो आएगा प्लस लॉक टेन इंटू ऑफ x टू द पावर टेन x टू द पावर टेन की वैल्यू आएगी टेन इंटू एक्स टू द पावर टेन माइनस वन वी हियर यूज फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू यन इंटू टू द पावर n माइनस वन

जो लेफ्ट का बनापोन वी है राइट हैंड साइड को आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा देव डीवी बाई डी एक्सम वैल्यू ऑफ वी हेयर वी इज टेन टू द पावर एक्स टू दावर टेन डी वी बाईस टेन power 9 into log 10 give us equation थर्ड now we solve डी डब्ल्यू बाई डी एक्स लेट डब्ल्यू इक्वल टू टेन टू द पावर टेन टू द पावर एक्स टेकिंग लॉगर ऋद ऑन बोथ साइड्स वी हैव लॉक डब्ल्यूल टू लॉक ऑफ टेन टू द पावर टेन टू द पावर एक्स इक्वल टू पावर में टेन टू द पावर एक्स है तो लेफ्ट हैंड साइड रुक आएगा तो ये हो जाएगा टेन टू द पावर एक्स इन टू लॉक टेन नाव वी डिफरेंशिएट अबोव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव एन अपन डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू टेन टू द पावर एक्स को पहला फंक्शन मान लो लॉक टेन को दूसरा फंक्शन मान लो तो ये हो जाएगा टेन टू द पावर एक्स इंटू डेरेवेटिव ऑफ़ लॉक टेन प्लस लॉक टेन इंटू डेरेवेटिव ऑफ़ टेन टू द पावर एक्स लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज राइट हैंड साइड में आएगा लॉक टेन का डेरेवेटिव जीरो तो ये फर्स्ट फर्स्ट टर्म हो जाएगी टेन टू द पावर एक्स इंटू जीरो प्लस लॉक टेन एज इट इज़ डेरेवेटिव ऑफ टेन टू द पावर एक्स आता है टेन टू द पावर एक्स इंटू लॉक टेन ये कहाँ से लिया हमने क्योंकि हमें ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव पता है ए टू द पावर एक्स का डेरिटिव आता है नीचे दिया है ए टू पावर एक्स इक्वल टू ए टू पावर एक्स इंटू लॉग ए तो यहाँ पे टेन टू पावर एक्स है एक ही जगह टेन है तो इसका आएगा टेन टू द पावर एक्स इन टू टेन तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू ये जो वन अपॉइंट डब्ल्यू है ये आगे इधर आके राइट हैंड साइड को आके क्या हो जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में डब्ल्यू इन टू टेन होल स्क्वायर हो जाएगा एक लॉक टेन के होल स्क्वायर कैसे हो गया यहाँ पे लॉक टेन है और यहाँ पे भी लॉक टेन है ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये लॉक टेन और ये लॉक टेन तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लॉक टेन होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू टेन टू द पावर एक्स एज इट इज़ और ये लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये टेन टू द पावर एक्स इंटू जीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है तो सिर्फ राइट हैंड साइड की टर्म आएगी और हमने वन अपॉन डब्ल्यू ये

2 dash equation 3 and equation 4 in equation 1 so we have du by dx equal to first we put the value of du by dx du by dx is du by dx is x to the 10 to the power x to the power x into log 10 into x to the power x into 1 plus log x so we put this value first term plus now we put dv by dx. dv by dx is 10 to the power x to the power 10 into 10 into x to the power 9 into log 10. Means second term plus. Now we put dw by dx. dw by dx is 10 to the power 10 to the power x into log 10 whole square into 10 to the power x. Means dy by dx becomes 10 to the power x to the power x into log 10 into x to the power x into 1 plus log x. Plus second term 10 to the power x to the power 10 into 10 into x to the power 9 into log 10 plus 10 to the power 10 to the power x into 10 to the power x into log 10 whole square. Today's homework is.